परमाणु विश्लेषण वास्ते आत्मिक मार्ग वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन की असली जांच जी गुरु साहिबान की बाणी तो ही मिलती है, सेध उतो ही मिलती है। जो आप सवेरे जपजी साहब करते हैं ना, महाराज ने अपना भाणा मनन का बल जो दसिया, महाराज ने दसिया कि दुख सुख जो इंसान के नाल आते दुनिया के उत्ते उन्होंने आप सहन भी करना है। पाठ करते नहीं होंगे कि तुम दुख नहीं मिलते, दुख भी मिलते हैं, क्योंकि भाणा जोड़ा वो मनना महाराज ने सिखाया। गुरु अर्जन साहब ने इन्ने व्डे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना की, लिखवाया कीर्त तत्ती तवीत बैठे। ये नहीं सोचना कभी बाणी पढ़ते हैं कि आप दुख नहीं आ सकता, दुख तो दुख सुख दोवे कपड़े पहने जाए मनुख न पाने पेंदे है। रैरस करीद ना कि कहते हैं दुख दारू सुख रोग प्यार, क्योंकि दुख आप महाराज के लागे लैके जाता है। इस करके बाणी पढ़िया करो, क्योंकि बाणी जो तुम पढ़ोगे ना तो गुरु साहब ताे नाल ही होते होंगे हाल ही। कई बार कोई इंसान अपनी जिंदगी में चले जाता है, अपन बड़ा ज्यादा अपन छोड़ा महसूस करते हैं उस इंसान का, पर फिर क्या जो तुम उस इंसान महसूस करते जो ना रब बाबू तो वह भी तुम अपने लागे चल के नजर आ, तो तुम ए नहीं लगता कि घर से दूर चले गया है कि जिमें अपने कोई तो लड़की है कोमल वो दादी जी की डैथ हुई बड़ी ज्यादा अपसैट रही है बच्चे। पर मैं तुम यही कहनी आप वाहगुरु का जो सिमरन करते सुनने तो तुम जागते भी फिर सिमरन कर दी, क्योंकि महाराज ने तुम कहा कि आप जरा वा अपना समा जरा वा वो क्ढना है सिमरन वास्ते। सिमरन वास्ते समा क्ढन का सब तो वधिया समा रात में सौ लगे, सिमरन करद्या सौ जो सारी रात ता सिमरन चलता है, श्वास श्वास चलता सिमरन। जो सवेरे उठते जे ना जो जपजी साहब करते जे तो जपजी साहब ही ताे जरा वा मुक्त होगा। जो तुम रहरास करके सौंदे जे ध्यान महाराज वाल रखते जे तो तुम रहरास ही करते। सब तो वधिया तरीका है कि सौन लग्या सिमरन करो, सौन लग्या दस मिनट मैडिटेशन करो उस वाहिगुरु जी। मैं गुरुद्वारा साहब मेरे घर के बिल्कुल सामने पर मैं नहीं जाती कभी कदाई जानी है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ बिल्कुल बैठ दिखे आ मैं उन्होंने वेखना हूँ, उन्होंने सेवा मेरे वास्ते सब तो ज्यादा जरूरी है समय। ठीक है, फिर मैं सहज पाठ करती हूँ। मैं फिफ्थ क्लास तो जपजी साहब याद किया है, मैं कंठ होया है जपजी साहब तो रहना उसको बगैर मैं अच्छा कभी अपना पिछादा नहीं छी बोले सोने हाल। क्योंकि ए लगता है कि जिस दिन तुम्हें बाणी नहीं ना पढ़ी महाराज का सिमरन नहीं किया उस दिन तुम कुछ ना कुछ जो तुम जुड़ते हो गए ना बाणी नाल तो जिम्मे लोगों की भुख लगती ना बाणी की भी भुख लगती इंसान में। आप जिदन बाणी नहीं ना पढ़ते अपन ए लगता कुछ गवाच गया अपने, कुछ चले गया अपने को, कुछ रह गया अज अपना करने वाला, मतलब महाराज की है तुम आवाजा मारते ताे अंदर। हर मंदिर यह शरीर है, इस शरीर च हरी वसता है ताे देश वसता परमात्मा। किसी गुरुद्वारे मैं मतलब हो सकता मैं सिख धर्म विरुद्ध भी गल कर रही हूँ, मैं ए लगता कि यह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे महाराज नहीं मिल सकता, कितों मनना ताे शरीर अंदरों पाना नहीं अमृत तुम अपने अंदरों मिलना है, जिन्हों तुम्हें आप महसूस करना है कि हाँ साढ़े अंदर हूँ ये चीज की जी प्राप्ति होगी। तो मापे दुनिया के उत्ते जींदे जागते ताे वास्ते रब ने, दूजे रब ताे वास्ते नहीं ताे गुरु। जो तुम अपने गुरु के पैरों में हथ लाते गए गुरु के नाल चंगा व्यवहार करते तो तुम्हें अंदरों ताे वास्ते शीशा निकलती हैं। टीचर जो एक बच्चे को चपेड़ मारता ना उन्होंने किन्ना दुख हों उस चपेट का तुम्हें उस चीज महसूस नहीं कर सकते। एक अध्यापक तो एक माँ एक इस संसार के दो योजे इंसान ने जोड़े कभी भी अपने बच्चे को ना तो दुखी देख सकते हैं तो ना ही कभी ये इंसान जोड़े अपने बच्चे का कभी माड़ा कर सकते हैं। इस करके बचियो बाणी के नाल जुड़ना बड़ा ज़्यादा जरूरी है, महाराज का सिमरन कराया करो, वाहगुरु कराया करो, खा बंद करके महाराज को अपने नेड़े महसूस करना शुरू कर दो। कितने भी ताले लगे जाते जो तुम दुखी होंगे जाना मैं तो महाराज में बह के ये नहीं कहती कि जोड़ा इंसान चल जाता है कहते कि इंसान पूरा हो गया, वो इंसान चल गया ना पूरा हो जाता है। तो असल की जिन्ना देर अं संसार के नहीं अधूरे अं पूरे उदो होना जो अं उस वाहगुरु के घर चले, क्योंकि असली घर होगा
ठीक है, जिन्ना देर तुम संसार च रहना है एहो जे काम करके जाने कि तुहानू कोई याद रखे। साढ़े चो इन्ने बच्चे मेरे को पढ़ के गए ने, जो कोई एक बच्चे के माइंड के भी मान लो कि यह रहे कि हाँ ही आज सीख्या स्कूल अहिया सीख्या अपने अध्यापक को, असल फिर अध्यापक जे मैं कह मैं बहुत आह कर लिया आह कर लिया वो नहीं, मेरी प्राप्ति केड़ी है ताे चो बोलेगी ताे चो जो कोई बच्चा अफसर बन के आके मेरे को भी हाथ लाएगा फिर मैं पता लगेगा कि मैं जिंदगी जो कहीं कुछ देने की कोशिश की तो मिले। बसा च जाइना ना जो दो चार बारी मौका मिले दाड़िया वाले दमालिया वाले बच्चे आके गोडी हाथ जो लगे तो हैरान हो जाता भी बच्चे कौन ने। दरबार साहब के बच्चों ने पैरी हाथ लाया मेरे आके दमाला सजाया उन्होंने बाणा पाया बच्चा ने, मैं खुद हैरान हो गई कि बच्चे कौन है। उन्होंने दसा कि मैडम अभी ताे स्टूडेंट रहे उस वे बड़ा फर्क महसूस हूं कि वाकई जिंदगी जीन की सेहत जो एक दो बच्चों ने साढ़े को ली तो जिंदगी उन्हें ना ही सफल है। हर मनुख जे जिंदगी एक अध्यापक एक बच्चे सेहत दे देना तो लखा की गिनती अध्यापक ने मतलब लख लखा की गिनती ही चंगे जेड़े मनुख ही पैदा कर दिए। तुम सिख नहीं, तु हिंदू नहीं, तु क्रिश्चन नहीं, कुछ नहीं जो तुम कौन जे एक इंसान इंसानियत नहीं छनी अपनी कभी कह दी यह सोच के आप मदद नहीं करते। सिख धर्म खालसा एड वाले देखो जो भोजन छका जो किसी भी पीड़ित जगह कोई भी जगह जिथे जाते उथे जाके जो वो नहीं कहते कि यह हिंदू आ ये सिख आ क्रिश्चन आ ना, क्योंकि वह भाई कन्हैया जी वांग की करते हैं मनुखता की सेवा। भाई कन्हैया जी हर जख्मी के गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर नजर आती है ता करके ही अं कहने कि मनुख बनो सब तो पहलो सड़क से तुरे जाते भी जो कोई लोड़वाद तुम दिसदा तो मदद करो। भगत पूरन सिंह जे जरूर पढ़िया करो उन्होंने फिलोसफी में भगत पूरन सिंह जेड़े योजे इंसान हो जिन्होंने वो कुछ करता दुनिया के जो लखा इंसान रल के नहीं कर सकते वो एक इंसान ने वो कुछ कर दिता। पिंगलवाड़ा वेखो जाके जरूर जाओ मेरे मन के जरूर खास है क्योंकि छोटे होंदया ही साढ़े पेरेंट्स ने पिंगलवाड़ा तो जतीम खाना विखाया जी जनरल से लागे जाते जनरल हाँ जो भी तुम पिंगलवाड़े जतीम खाने जाओगे ना तो फिर असल च इंसान बनोगे। छोटे छोटे बच्चे मां बाप तो बगैर जो जतीम खाना वेखो जाके तुम पता लगे कि पेरेंट्स की की इंपोर्टेंस है लाइफ आप कहने ना सू की देंगे पॉकेट मनी मिलती एक डोनेशन बॉक्स लगा होंगे कभी पैसा नहीं खर्चा डोनेट करते हैं डोनेट की करते हैं महाराज की दिखती माया महाराज के घर मोड़ते हैं अपने को मनुख नहीं कुछ कर सकते अभी तो वड्याई कर सकते ना भाभी आह करते आह करते वड्याई करते ही अपनी इस करके जो तुम पिंगलवाड़ा जतीम खाना बतावे ना मैं लगता कि तुम असल इंसान बन जाओगे असल पता लगेगा कि सच्ची मनुखता की सेवा की चीज है। भगत पूरन सिंह के जड़िया उन्होंने जरूर लिखत पढ़े क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा लिटरेचर बन गए बच्चे देखो धन्यवाद धन्यवाद जी बहुत भाई साहब के कि इन्होंने सानू दुनियावी विद्या के नाल अध्यात्मिक विद्या की सेहत भी बच्चों ने दी है तो अगों भी कोशिश करा कि भाई साहब आते रहन तो यहो जी सेहत जी देते रहन ताकि अं असल जो चाहनी मैं चाहनी कि तुम मैं सही शब्दों के मनुख बनाव इस करके भाई साहब थोड़ा तो आए सारे